अयोध्या हमारे हृदय का प्रतीक है और भगवान राम हमारे हृदय के स्वामी हैं। जिस प्रकार अयोध्या भगवान राम के बिना सुनी हो गई थी, उसी प्रकार हमारा हृदय भी नकारात्मक सोच के कारण उसमें सूनापन आ जाता है। ये सभी त्यौहार हमें हर्ष, उल्लास, उमंग और जोश दिलाते हैं। तो आइए हम सभी हर्षोल्लास के साथ में दीपावली मनाते हैं। दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। पुराना कुंडा रखा था ना, उसी को मैं डेकोरेट कर रही हूँ। यहाँ पे आटे का दिया बनाते हैं हम लोग, जलाते हैं चतुर्दशी के दिन, तो ये आटे का दिया और मिठाइयाँ भी बनके रेडी हो चुकी है। डेकोरेशन तकरीबन पूरा हो चुका है। मेरे पास में ये नवरात्रों के पुराने कुंडे रखे रहते हैं, तो जो शारदीय नवरात्रे होते हैं उनके जो कुंडे होते हैं उनको मैं दिवाली के डेकोरेशन में काम में ले लेती हूँ, और जो अप्रैल वाले नवरात्रे होते हैं गर्मियों वाले उनको मैं पक्षियों को पानी पिलाने के लिए काम में ले लेती हूँ। तो ये घर की छोटी छोटी चीज़ों को काम में लेके मैं डेकोरेशन करती हूँ। तो देखिए मैं किस तरह से डेकोरेशन, यहाँ पे मैं फेविक्विक से ये छोटे दीपक इस पर लगा रही हूँ। थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, लेकिन चिपक जाते हैं ये अच्छे से। और फिर इनके अंदर मैं दीपक रख के और फिर इनको जलाऊंगी, पानी भर के थोड़े से फूल की पत्तियां वगैरह लगा दूंगी, अच्छा डेकोरेशन हो जाएगा। अभी तो मैं प्रिपरेशन करती हूँ तो इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। दिवाली वाले दिन जलाऊंगी तो मैं, लेकिन अभी से तैयार करके डेकोरेशन करके मैं इसको रख रही हूँ। ये ना मेरे पास में बड़ा कुंडा रखा हुआ था, इसको भी मैंने ये कलर करके तैयार कर लिया। इसमें पानी भर दिया और इसके अंदर मैं डालूंगी, पहले ये फूल की पत्तियां डाल दूंगी और फिर ये बाज़ार में रेडीमेड फ्लावर मिलते हैं जो कि पानी में डालते ही लाइटें हो जाती है उनमें ऑन, तो वो मैं डालूंगी इसके अंदर। देखिएगा आप, ये भी बड़ा सुंदर लग रहा है। खाने में मैं आज बना रही हूँ राज कचौरी, तो मैं किस तरह से बनाती हूँ आप देखिए। राज कचौरी बनाने के लिए एक ये इतना सूजी और इससे तीन गुना लेंगे मैदा, मतलब आप एक कप ले रहे हो तो तीन कप मैदा लेंगे, इतना ही। और जितना सूजी लिया है ना उतना ही इसमें मोइन लेना पड़ेगा, जितनी सूजी ली थी ना उतना ही मोइन ले लेंगे इसके अंदर। अजवाइन ले लेंगे, फिर मोइन पूरा डाल लेंगे इसके अंदर और इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। आटे को थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया है, जितनी देर में छोटी दिवाली की पूजा के लिए थाली डेकोरेशन कर लेती हूँ। सिंपल थाली डेकोरेशन है, मैं इस तरह से करती हूँ। यहाँ पर मेरे पास में कुछ मालाएं और बची हुई थी, तो मेरे पास में एक लोटा पड़ा हुआ था और एक कलश था, और उस लोटे और कलश को लेकर के और छोटे छोटे ऐसे ऐसे फ्लावर से बना बना के ये बना लिया। मेरे को तो बड़ा अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है बताइएगा।
देखो मेरा आटा भी रेडी हो चुका है। मैं ये कचौरियाँ बना रही हूँ, देखो कितने अच्छे से फुली फुली बन रही है। बस इसको लो फ्लेम में सेकना है और इधर मेरा ये आपको वीडियो मिलेगा, उस समय हो चुकी होगी छोटी दिवाली। तो छोटी दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, सभी त्यौहार उमंग से मनाइए, खुशियों से मनाइए और अगेन हैप्पी दिवाली। अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।